हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है रीयूनियन होते हैं। प्रियो, रीयूनियन का मौसम आया है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी सोल फैमिली से कुछ लोगों का उनके पर्सन से रीयूनियन हुआ है। कुछ दिनों पहले उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया और कहा, मैम हमारा रीयूनियन हो गया है। तो मैंने उनसे कहा, आप अपनी इस खुशी को, अपने इस अनुभव को हमारी सोल फैमिली से शेयर करें, क्योंकि हम सब एक ही सोल फैमिली के हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी खुशियां भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हमारे सोल ब्रदर एंड सिस्टर जिन्होंने अपना अनुभव बांटा है, तो सुनिए उन्हीं की जुबानी उनके अनुभव। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं डिवाइन फैमिनिन आज आपसे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं यही आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप इस जर्नी में हैं, बहुत बार ऐसा फील हो सकता है कि ये जर्नी झूठ है, कुछ नहीं होता ट्विन फ्लेम, कोई कुछ नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन, ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है भी कि नहीं है, ये सब कुछ एकदम से ऐसा लगता है कि क्या सच है क्या झूठ है। बहुत बार हमें मैनिपुलेशंस होती हैं, भ्रम होते हैं और बहुत बार बहुत तरीकों के टेस्ट होते हैं। तो मैं इस जर्नी में पिछले 3 साल से हूँ और अभी रिसेंटली मेरा हारमोनियस यूनियन हुआ है डिवाइन की ब्लेसिंग्स से। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक ही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, पूरी जर्नी का जो क्रक्स है वो सिर्फ और सिर्फ फेथ है। डिवाइन पे भरोसा कीजिए, डिवाइन टाइमिंग आने पर आपको सब कुछ मिलेगा। मुझे भी बहुत बार डाउट हुआ, बहुत बार मैंने गिव अप किया, बहुत बार क्वेश्चन किया, डिवाइन से पूछा कि क्या सच है क्या झूठ है। और ट्रस्ट मी, मेरे यूनियन से एक दिन रात पहले भी मैंने गिव अप किया कि मैं अब और नहीं चल पाऊंगी, मैं और नहीं झेल सकती, प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दीजिए डिवाइन। तो डिवाइन ने नेक्स्ट डे ही मुझे क्लैरिटी दे दी। तो मैं आप सब लोग जो भी कहीं पे भी डाउट में आ रहे हो, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डाउट मत कीजिए, ना तो खुद पे, ना जर्नी पे, ना डिवाइन पे, ना किसी भी चीज़ पे। हम सब लोग एक पर्पस की वजह से इस जर्नी में हैं और डिवाइन का जो हमें सोल पर्पस, आप जैसे ही अपने सोल पर्पस पे लगेंगे, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके पास आ जाएगा और यूनियन तो होना ही है। हमें सिर्फ अपने आप पे काम करना है, अपनी जर्नी पे, अपने परमात्मा पे, डिवाइन पे भरोसा रखना है, बाकी सारा काम उन पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, अपने सोल पर्पस पे लग जाइए। जिस दिन आप सोल पर्पस पे लग गए, ऑटोमेटिकली आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ यूनियन में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए, अपनी जर्नी को लास्ट तक कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। नमस्ते आप सब लोगों का, इस चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे ये सोल पर्पस करने का मौका दिया है। मेरा नाम है सुभाषीष घोष, मैं असम में रहता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा DM से मेरा कॉन्टेक्ट बंद हो गया था 2022 जुलाई को। फिर मैंने नवंबर 7 में जाके मैम से मैंने कांटेक्ट किया। मैम से मैंने काउंसलिंग लिया और मैम ने मुझे पूरा गाइड किया और मैं अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था, पूरा इनर वर्क स्टार्ट कर दिया था। फिर इसी साल 27 मई को उसने मुझे कॉल किया। पूरे 10 महीने बाद उसने मुझे कॉल किया एंड उसने मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दिया और मैंने सोच लिया कि यही मेरा हारमोनियस रियूनियन है। और हम दोनों के बीच बहुत सारे बातें हुई। मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा, मैम को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरा रियूनियन हो गया। मेरे को 5-5 पोर्टल से पहले और 5-5 पोर्टल के बाद भी बहुत सारे साइन दिखाई देते थे, 6-9 नंबर दिखाई देते थे, लेकिन मैं इस
सब साइनों के ऊपर बिलीव नहीं करता था। मैंने अपना पूरा उम्मीद छोड़ दिया था कि वो मुझे कॉल करेगा। मैंने तो ये सोच लिया था कि वो मुझे कभी ज़िंदगी में कॉल ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसने मुझे कॉल किया और मेरे से बात किया। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मैम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग इधर उधर मत भटकिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए और मैम को गाइडेंस के ऊपर बिलीव कीजिए और काम करते जाइए और इस जर्नी को ट्रस्ट कीजिए। मैं अपना यहीं पर आप सबसे विदा लेता हूँ और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग का रियूनियन हो जाए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशु है और मैं दिल्ली से हूँ। लास्ट ईयर दिसंबर में मेरा ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हुआ था और लास्ट ईयर जुलाई में मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिली थी, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है। उससे पहले मैं ट्विन फ्लेम को नहीं जानती थी। दिसंबर के महीने में मुझे पता चला कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है। कुछ ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ जो कि डिवाइन की मर्जी से था, जिसे मुझे पता चल पाया। उसके बाद मैंने इन चीज़ों को काफ़ी लेवल पर स्टडी किया। उसके बाद धीरे धीरे धीरे, मतलब लाइक 3-4-5 महीने के दौरान मेरी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव आए। मैं खुद को स्पिरिचुअलिटी में ले गई और मैंने मेडिटेशन किया, और मेरे जो ट्विन पार्टनर है उन्होंने भी सेम चीज़ें की। हम दोनों को एक साथ में काफ़ी चीज़ें पता चल गई। उसके बाद हम लोगों ने मेडिटेशन किया और गॉड को थैंक यू किया, क्योंकि ये लव जो होता है अनकंडीशनल होता है, उस लव के लिए मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिला मुझे इस एक छोटी सी जर्नी के दौरान कि मुझे ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना पड़ा, और उसके लिए मैं सुबह शाम ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ मेडिटेशन करती हूँ मैं। अगर आप अपनी कोड कटिंग करते हैं पुराने रिलेशन, पुराने चीज़ों को, जहाँ से भी आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है, या कोई भी आपका कार्मिक रिलेशन है उसको आप प्रॉपर तरीके से क्लोज करते हैं, तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत अच्छे लेवल पर सही रास्ते पर हो जाती है। इसके साथ साथ आपका प्रॉपर तरीके से परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर मेडिटेशन करेंगे तो आपको यूनियन मिल जाएगा। लाइक मेरी जर्नी के दौरान मैंने प्रॉपर मेडिटेशन किया और मैंने ऊपर वाले का शुक्रगुजार रही, ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू किया, गॉड का हमेशा थैंक यू किया, जिससे मैं परमानेंट यूनियन में आ पाई। और इजीली हमने अपने भाव को, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से कंट्रोल किया और मेडिटेशन किया, जिससे हम इजीली परमानेंट यूनियन में आ पाए। आज मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। हम प्रॉपर तरीके से दुबई में सेटल्ड हो चुके हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं। थैंक यू सो मच शिव ट्विन फ्लेम चैनल, जिसने मुझे मेरी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक काफ़ी बड़े लेवल पर हेल्प की। थैंक यू सो मच। प्रियो, हमारे सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स को ब्लेसिंग्स दीजिए, और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप चाहे जितना भी इनर वर्क, मेडिटेशन, साधना करें, पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी एनर्जी को बचाएं, उसे सेव करें, क्योंकि जब आप अपने पर्सन से पूरी रीति से मूव ऑन कर जाते हैं और उस एनर्जी को खुद पर लगाते हैं, अपने क्रिएटिविटी पर, अपने सोल पर्पस पर, तो आपका पर्सन खुद ब खुद लौट कर आपके पास आता है। आज मैं उन सभी सोल ब्रदर एंड सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ बांटे, और मैं उन्हें ढेरों बधाइयाँ देती हूँ कि उनके पर्सन से उनका रीयूनियन हो पाया है, और ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। और मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अपनी सोल फैमिली के लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी का रीयूनियन करवाए और आप अपनी इस जर्नी को पूरा करके जाएं। एट लास्ट मैं यही कहना चाहती हूँ, बिलीव इन द गॉड, बिलीव इन दिस जर्नी एंड बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि रीयूनियन होते हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।